हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और दिन बहुत ही लंबे होते हैं और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं। वो घर पर ही रहेंगे पूरे वक्त, तो गर्मियां बहुत ही अच्छे से खाते पीते मस्ती में बीते, उसके लिए आज मैं आपके साथ में मैंगो पॉप्सिकल्स एंड स्पाइसी पीनट्स की बहुत ही ज़बरदस्ती कॉम्बो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंगो पॉप्सिकल्स बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कच्चा मैंगो बाइट ली है। आप किसी भी मैंगो फ्लेवर की टॉफीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इतनी ढेर सारी ली हैं, पर इतनी ढेर सारी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें से हम 20-25 मैंगो बाइट्स निकाल लेंगे। तो आप किसी भी चॉकलेट से इसको बना सकते हैं, टॉफी से बना सकते हैं, या फिर अगर कच्चा आम अगर आ रहा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में जल्द ही शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें से लगभग 22 मैंगो बाइट्स निकाल ली हैं छांट के, और अब इनको छील के हम पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए सारी मैंगो बाइट्स को मैंने बाहर निकाल लेना है और इस ग्राइंडिंग जार में मैंने एक एक करके डाल देना है। और अगर हम सिर्फ मैंगो बाइट्स को हम ग्राइंड करेंगे तो वो चिपक जाएंगी, वो ग्राइंड नहीं होगी। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीनी ली है 3/4 कप। तो चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप ली है। इसको डाल के अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत आसानी से ये मैंगो बाइट्स बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है और बहुत ही बढ़िया पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अगर एक आध पीस रह भी जाता है तो आप उसको दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए, वो बहुत अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैंने अब एक बोल में निकाल लेना है। तो ये सारा कैंडी और शुगर का मिक्सचर मैंने इस एक बोल में निकाल लिया, और इसमें अब हम मिलाएंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप पानी मिलाया है, और उसके बाद ये देखिए 1/2 कप पानी भी इसमें मिक्स कर दिया। और अब इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैंडी का जो मिक्सचर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्लीन ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच सॉल्ट ऐड किया, 1/2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, जिससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो चाट मसाला दोस्तों ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही इसको बहुत बढ़िया सा हम एक टैंगी फ्लेवर भी देंगे। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके पहले मैंने यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर 1 ड्रॉप ऐड किया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे भी ग्रीन कलर आ चुका था। अगर आप चाहें तो लाइट ग्रीन कलर में भी कैंडी बना सकते हैं, पर अगर डार्क कलर की कैंडी बनानी है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लीजिए। अब इसमें बहुत बढ़िया सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/2 लेमन जूस मिलाया है। तो इसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी वो बढ़िया खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा जो कि पॉप्सिकल्स में होता है। और बस ये हमारा इसका सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है, और इसको अब हम जमाने के लिए मोल्ड्स में डालेंगे। तो अगर आपके पास में मोल्ड्स नहीं है तो भी कैसे बनाना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये मेरे पास में कुल्फ़ी के मोल्ड्स हैं, इसमें मैंने इसको डाल देना है। ये देखिए, बहुत ही आसान है घर में पॉप्सिकल्स को बनाना। इस तरीके से मैंने जो कुल्फ़ी के मोल्ड्स होते हैं उसमें इनको डाल दिया है, और बस ढक्कन को बंद करेंगे और इसमें आइसक्रीम के स्टिक लगाएंगे और इसको हम जमने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अगर मोल्ड है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है जमाना, और अगर मोल्ड नहीं है तो हम इन्हें पेपर कप्स में या घर में जो भी ग्लासेस होते हैं छोटे छोटे स्टील के, उसमें भी बहुत आसानी से जमा सकते हैं। तो उसको मैंने जमने के लिए रख दिया। अब ये मेरे पास में दूसरे मोल्ड्स भी हैं, इसमें भी मैं इनको डाल दूँगी, और इनकी स्टिक इसी के साथ में मिली थी उसको मैं लगा दूँगी, और इन्हें भी हम जमने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके का स्टैंड भी था इसके साथ में, तो इसको मैं स्टैंड में लगा के इसको जमने के लिए रख दूँगी। और इस तरीके के ग्लास में भी आप जमा सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये पेपर कप्स हैं, मार्केट में ये तरह तरह के मिलते हैं, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। तो इसमें मैंने इस सॉल्यूशन को डाल दिया है, और अब बस इसके ऊपर से हम एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे। ये ज़रूरी है बिल्कुल लगाना, ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जाए। और अब एक नाइफ से इसमें ऊपर छेद करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिक लगा देंगे। तो ये हमारा पेपर कप का पॉप्सिकल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। तो सारे पॉप्सिकल्स को मैं 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। तो लगभग ओवरनाइट रखने के बाद मैंने इन्हें बाहर निकाला। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारे मैंगो पॉप्सिकल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, और बस अब इनको फटाफट से हम डीमोल्ड करेंगे। तो या तो आप इसको पानी में
कुछ सेकंड्स के लिए डिप कर दीजिए या हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा इसको मसल लीजिए तो बहुत आसानी से ये बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कच्चा मैंगो बाइट का पॉप्सिकल बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, इन गर्मियों में इसे ज़रूर बनाइए, इनके सहारे गर्मियाँ बहुत आसानी से कट जाने वाली हैं। और इसके बाद है हमारी अगली रेसिपी, स्पाइसी पीनट्स रेसिपी। ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है स्वाद में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन लिया मैंने, उसे गर्म करने के लिए रखा और इसमें एक कप मूंगफली डाली। तो मूंगफली किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, किसी भी कलर के ले सकते हैं। इसको अब बिल्कुल धीमी आँच पर हमको भूनना है। ये देखिए बिल्कुल धीमी आँच पर इसको मैंने सेक लिया है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। अब देखिए ये सिक चुकी है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसके हम छिलके निकालेंगे, तो वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ छिलके निकालने का। तो एक बोल लिया मैंने और इसमें एक रफ़ सा टॉवल या कपड़ा हम डालेंगे जिसकी सरफेस एकदम रफ़ सी हो। इसमें हम इन मूँगफली को डालेंगे जो ठंडी हो चुकी हैं, और ठंडी हुई मूँगफलियों को हम इसमें कपड़े में लपेटेंगे अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे से हम हाथों से मसलेंगे, तो इसके छिलके बहुत आसानी से निकल के आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रगड़ते जाएंगे और बहुत आसानी से आप देखेंगे कि इसके पूरे छिलके निकल चुके हैं। यदि थोड़े बहुत छिलके रह भी गए हैं तो उन्हें आप हाथों से मसल के निकाल लीजिए। कुछ मूँगफलियों के रह जाते हैं तो उसे हाथों से मसल के निकाल लेंगे। और अब इसको हम छिलकों को अलग करेंगे, उसका भी तरीका बहुत आसान है। इस तरीके का कोई भी छन्ना लीजिए और इसमें इस पूरी मूंगफली को छिलके समेत डाल दीजिए और बस इसको छान लीजिए, तो बहुत आसानी से सारे छिलके नीचे गिर जाते हैं और मूंगफली ऊपर रह जाती है। तो आप इस तरह की पीनट्स बनाने के लिए स्पाइसी मूंगफली जो छिली हुई आती है मार्केट में, उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सॉल्टेड होती है हल्की सी। और अगर वो नहीं है घर में, जो साधारण मूंगफली है, उसे भी आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर बहुत बड़ी ऐसी छिली हुई मूँगफलियाँ निकल के आ चुकी हैं। आप इनको चाहें तो इसको दो दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, पर मैं इन्हें तोड़ नहीं रही हूँ। कुछ इसमें साबुत मूँगफलियाँ हैं और कुछ टूटी हुई मूँगफलियाँ हैं, तो दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं। और अब इनको हम स्पाइसी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए एक पैन लिया मैंने और हाफ टी स्पून लगभग घी डाला। आप यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म होने के बाद इन मूँगफलियों को इसमें डालेंगे और बिल्कुल एक से डेढ़ मिनट ही इसको हमको हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि ये रोस्टेड तो है ही, सिर्फ हमें इन्हें इतना ही गर्म करना है जिससे कि इसमें सारे मसाले अच्छे तरीके से कोट हो सकें। तो लगभग एक मिनट तक मैंने इसे चला लिया है और अब इसमें हमें ये मसाले मिलाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें लिया है अमचूर पाउडर लगभग हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और काला नमक, साथ में थोड़ा सा पाउडर शुगर और काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ही लिया है, 1/4 टीस्पून। तो अब इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर देने हैं, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, साथ में ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर, तो 1/4 टीस्पून ही ऐड करिए। साथ में काला नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड कर देना है। तो ये स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बस इसको हल्का सा मिक्स करना है, क्योंकि अभी घी गर्म है तो बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले इन पीनट्स पे कोट हो जाते हैं। और बस इन्हें ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद बढ़िया से इन्हें सर्व कीजिए। और आप इन्हें स्टोर करके भी किसी भी एयरटाइट बॉटल में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो ये मेरी कॉम्बो रेसिपीज थी आज की, पॉप्सिकल्स और स्पाइसी पीनट्स। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये बहुत ही आसान सी दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। यदि पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।